हे गाइस व्हाट्सअप, सब बढ़िया? तो बॉस एग्जाम्स आ गए हैं और टेंशन बहुत ही टाइट है। आई होप आपने अपना सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया है। अगर नहीं भी किया है तो जिस भी सब्जेक्ट का पेपर है आपका, आप उसको 2 से 3 बार या कम से कम 4 बार रिवाइज करके जाइए सारा का सारा। और स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, अच्छे से पढ़ाई करें और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में आंसर कैसे लिखना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बोर्ड एग्जाम्स के आंसर लिखने के लिए बोर्ड एग्जाम्स में आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप जैसे आंसर लिख कर आएंगे आपको नंबर उसी बेस पर मिलेंगे। क्लासरूम में आपने जो भी लिखा है, आपके मार्क्स कितने आए हैं, प्री बोर्ड में कितने आए हैं, बोर्ड्स में कितने, फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म में कितने आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, कुछ इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ये जैसे इंग्लिश का है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आपको पहले 15 मिनट वहाँ पढ़ने के लिए मिलते हैं। आप उन 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करें। उन 15 मिनट में आपने क्या करना है, पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर देखना है कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसके अंदर। उसके बाद आपने 15 मिनट में डिसाइड करना है कि मुझे कौन से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको आपको पहले टिक कर लेना है। मान के चलिए जैसे मुझे क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से आता है, तो मैं नंबर 1 पे टिक लगाऊंगा कि हाँ नंबर 1 पे मैं ये करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी मुझे आता है तो नंबर 2 पर मैं इसको करूँगा। 6 नहीं आता, 6 को छोड़ूंगा। नंबर 3 पे मैं 7 को करूँगा। इससे क्या होगा, आप पहले ही 15 मिनट की प्लानिंग कर लेंगे कि आपने पहले कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन आप हमेशा वो करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से आता हो, उसमें आपकी राइटिंग बिल्कुल साफ होनी चाहिए एंड कट्टा पिटी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दूसरी बात, जब आप आंसर लिखने के लिए जाएंगे तो आंसर की प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए वो बोर्ड पर बता रहा हूँ, देखिए फटाफट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए तो आप आंसर लिखने के लिए बस कुछ नहीं करना है आपको, प्रैक्टिकल हो जाती हो। आप पहले 2 मार्जिन दबाव करेंगे यहाँ पर, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आप इसको रफ के लिए यूज कर सकते हैं, रफ वर्क, तो ये मार्जिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और अगर थ्योरी है तो इस वाले मार्जिन को थोड़ा कम रखना। उसके बाद जब हम आंसर नंबर लिखते हैं ना, बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिखना, इसको घुसा देते हैं। तो आप आंसर नंबर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आंसर नंबर 1 बड़ा सा, उसके बाद यहाँ से आप आंसर लिखना अपना स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, जब भी आंसर लिखेंगे एक पेज पर एक ही आंसर लिखें। अगर उसके पॉइंट्स हैं, अगर किसी आंसर के पॉइंट्स हैं तो सारे पॉइंट्स एक ही जगह पर करने हैं। ऐसा नहीं करना पहले क्वेश्चन नंबर 1 के ABC कर दिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 कर दिया, फिर 1 का D कर दिया, ना। आपको एग्जामिनर के पॉइंट से सोचना है कि जैसे भी आप लिख रहे हो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक कर पाए, उसे चेक करने में आसानी हो। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब आप आंसर लिखेंगे पहला आंसर हमेशा साफ सुथरा लिखना, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ेगी और लास्ट के 1 घंटे में तो सारे डॉक्टर बन ही जाते हैं, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। दूसरी बात, आपको एक चीज़ और देखनी है यहाँ पर, आपको करना है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका पेपर किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो थ्योरी का हो चाहे प्रैक्टिकल का हो, वो विदिन 2.45 आवर्स के अंदर खत्म हो जाना चाहिए। आपको लास्ट के 15 मिनट सिर्फ रिवाइज करना है या फिर देखना है कि कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, आपको क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए देखो आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है, उसको करने के लिए आपको 180 मिनट्स मिलते हैं। कितने मिलते हैं, 180 मिनट्स मिलते हैं। तो अगर 15 मिनट में माइनस कर भी दूँ तो आपके पास रह जाएंगे 165 मिनट्स। यानी कि हर एक नंबर के क्वेश्चन के लिए आप मैक्स टू मैक्स 1 मिनट 1.6 मिनट डिवोट कर सकते हो, या मैं कह सकता हूँ आप 1.5 मिनट लगा सकते हो एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसको 15 मिनट में लिखना पड़ेगा। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 9 या 10 मिनट में आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। कोई क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आता भी है तो ऐसा ना हो कि आप उसमें बहुत ज़्यादा लेट जाएँ। 4 क्वेश्चन अच्छे से करने से बेटर है कि आप 6 क्वेश्चन एवरेज तरह से करें। बात समझ पा रहे हैं आप? मतलब आपको क्वेश्चंस पेपर पूरा अटेम्प्ट करना ही है, छोड़ के कुछ नहीं आना है, ये आप कसम खा लें बिल्कुल, तो ही आपके मार्क्स आएंगे। होता क्या है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, बच्चा 20 नंबर का 30 नंबर का तो छूट ही जाता है, वो तो लेफ्ट कर दिया उसने। फिर 70 नंबर का अटेम्प्ट किया, उसमें से 20 नंबर का इनकरेक्ट हो गया। नंबर कितने आते हैं, 50। तो अगर 70-80 लाने हैं तो इसका मतलब मुझे पूरा अटेम्प्ट ही 100 का करना पड़ेगा। 100 में से अगर 20 भी गलत हुआ तो मेरे नंबर कम से कम 70-80 तो आ ही जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, अच्छे से पढ़ाई करें,
बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।